हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केसी अग्रवाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बार ऐसा होता है जब हम कोई नया पौधा नर्सरी से खरीद कर लेकर आते हैं, वो बहुत हेल्दी होता है लेकिन उसमें फूल नहीं आते। हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जब हम नर्सरी वालों से पूछते हैं तो उसके पास कोई उपाय नहीं होता। एक ऐसा ही पौधा है नॉस्टेरियम, जिसके पत्ते भी इतने सुंदर लगते हैं कि हम उन्हें खरीदने से खुद को रोक नहीं पाते और उन्हें खरीद कर ले आते हैं, लेकिन जब उसमें फूल नहीं खिलते तो फिर हम निराश हो जाते हैं। अगर आपके नॉस्टेरियम के पौधे में फ्लावर नहीं आ रहे हैं और आपने अभी तक पौधे में कोई हैवी खाद नहीं डाली है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है जिससे आप अपने पौधे में फूलों का आनंद ले सकें। सबसे पहला काम, आप अपने गमले के पौधे के साइड साइड में थोड़ी सी गुराई कर दीजिए, जिससे गमले की मिट्टी जमी ना रहे और थोड़ी भुरभुरी हो जाए। हाँ, गुराई करने के पहले पानी ना डालें, गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए। दो मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, एक चम्मच सीवीड ग्रैनुअल्स, एक चम्मच इप्सम सॉल्ट, एक चम्मच नीम खली, आधा चम्मच फंगीसाइड। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला के एक मिक्सचर तैयार कर लीजिए। इस मिक्सचर से 2-3 चम्मच हर एक गमले में मिट्टी में मिला दें, फिर पानी डालकर पूरे दिन की धूप में रखें। अब 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच NPK 19-19-19 अच्छी तरह से मिला दें और इसे अपने पौधों के ऊपर स्प्रे कर दें। अब पानी इसमें तभी डालें जब मिट्टी बिल्कुल सूखी रहे, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। 10 से 15 दिनों में इन पौधों में कलियां आनी शुरू हो जाएगी। ये तो तब का काम है जब आपने कोई हैवी खाद नहीं डाला है। अगर आपने हैवी खाद डाल दिया है पौधों में और फिर भी फूल नहीं आ रहे हैं, तो बस एक काम करें, NPK 19-19-19 का छिड़काव सिर्फ अपने पौधों के ऊपर कर दें, फिर उसे धूप में रखें और पानी तभी डालें जब मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए। फूल सूख जाए तो उन्हें भी हटाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको बीज की ज़रूरत है तो फिर आप उन सूखे हुए फूल को छोड़ दीजिए, उसमें बीज बन जाएंगे। मैंने जितना बताया आप उसे करके देखिए, मुझे पूरा विश्वास है आपके पौधे में भी ढेर सारे फूल आएंगे। मेरी ये जानकारी अगर आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।